नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हेल्थ ओपीडी। आज मैं आपको बताऊंगी कि खाने के घी तेल में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, क्यों। तो ट्रांस फैट्स जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये मुख्यतः वनस्पति घी में पाए जाते हैं, जो कि मार्केट में डालडा, रथ, पनघट कई ब्रांड नेम से मिलता है। खाने के तेल में जब हाइड्रोजन मिलाया जाता है तो ये तेल तैयार होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि इनका स्वाद बढ़ सके और साथ ही साथ उम्र भी बढ़ जाए। लेकिन ऐसा करने से इनके अंदर बहुत सारे ट्रांस फैट्स आ जाते हैं। वैसे ट्रांस फैट्स के अलावा सैचुरेट फैट भी नुकसानदेह साबित होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर ज़्यादा मात्रा में लिए जाएं तो। अब ज़्यादा मात्रा का मतलब है रोज़ाना 3-4 चम्मच तक सिर्फ और सिर्फ सैचुरेट फैट लेना। सैचुरेट फैट में आते हैं मक्खन, घी, नारियल का तेल आदि। वैसे घी और बटर में भी 5% तक ट्रांस फैट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर कम मात्रा यानी रोज़ाना 1 चम्मच तक लिया जाए तो ये नुकसान देने के बजाय फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इनकी पहचान यह है कि ये कमरे के तापमान पर जम जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि अंडे का पीला हिस्सा और मेयोनीज़। ये भी सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाते क्योंकि इनमें सैचुरेट फैट होते ही नहीं हैं। अब बात करते हैं ट्रांस फैट्स के नुकसान की, तो ये हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, साथ ही सूजन भी बढ़ाते हैं। तो हमारी डाइट का 1% से ज़्यादा हिस्सा बिल्कुल भी ट्रांस फैट से नहीं आना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ट्रांस फैट्स को पहचाने कैसे? तो खाने की जिन चीज़ों में कुरकुरापन लाना होता है, जैसे कि पैक्ड फ्राइड फूड या फिर तली भुनी चीज़ें, शक्कर पारे, नमक पारे, कुकीज़, मफिन, फैन, समोसे आदि, रेडीमेड सूप्स की बात करें, वेजिटेबल ग्रेवीज की बात करें जो रेडीमेड मिलता है, तो उस सब में ट्रांस फैट्स होते ही हैं। अगर हम खाना चाहते हैं इस तरह की चीज़ें, नमक पारे या फिर समोसे, तो बेहतर है कि घर में बनाएं, और घर में भी उनमें पाम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाम ऑयल कुदरती रूप से सॉलिड रूप में होता है और उसके लिए उसमें हाइड्रोजन मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि उसमें ट्रांस फैट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। कुछ रिसर्च बताती है कि पाम ऑयल के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी की आशंका कम हो जाती है। तो अगली बार जब आप अपने पड़ोस में किसी हलवाई को गर्मा गर्म समोसे तलते हुए देखें, तो जीभ को ललचाएं नहीं बल्कि मन पर कंट्रोल रखें, और अगर खाना है तो हेल्दी फैट खाएं। तो हेल्थ ओपीडी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी हुई सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।